व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। पहाड़ों के रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं उतरने। आज मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे आलू के खेत, वहाँ पे गुड़ाई का काम चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि हम शहरी आलू को पहाड़ में ला करके गोड़ के कैसे उसका पेड़ बनाते हैं। चलो दिखाते हैं। हाँ, कैमरा पर्सन आराम से गिर रहा मत। रटना रहल दिन मा तो मरी रटना पुराने घर होते थे पत्थर के बने। ये मतलब अंदर से मिट्टी के बने हैं, बाहर से पत्थर है, अंदर से पूरा मिट्टी का घर है ये। ऐसा घर पहले हमारी नानी का हुआ करता था, जिनकी वीडियो आपने कल देखी होगी मेरे मंगोट की, उनका घर भी पहले ऐसी था, पर अब वो सारा सीमेंटेड हो गया है। चांद को बटना तो मरी रटना। जितने खेत दिख रहे हैं सब हमारे। अभी कौन से वाले खेत में जा रहे हो? हम क्यों नीचे वाले खेत में जा रहे हैं? खेत नंबर आलू की गुड़ाई दिखाने। आलू कैसे उगाए जाते हैं वो दिखाने। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी होती है वो दिखाते हैं। अभी गोल दिनो हरे यो जंगल भुगत ना गोल दिनो हरे यो जंगल तेरी मेरी भेंट होली छचरा मांगला तेरी मेरी भेंट होली छचरा मांगला भुगत ना गोल। ये लहसुन के पेड़ है, लहसुन के पत्ते हैं ये, वो लाई है लाइट ग्रीन और ये पालक है। बाकी आपको कबूली बताइए कहीं पे भी उंगली कर दे ये गोबर, ये जो गोबर होता है ना इसका खाद, जिसकी खाद बनती है ये वो है। इनको खेतों में डाला जाता है ताकि जो आपकी जो फसलें है ना वो और अच्छी हो। मूली हाँ, काय मूली हरी पत्ती दी। ये मूली के पत्ते हैं, यही खाते हैं हम डेली आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो बटना तो मरी रटना। छोटे छोटे गेहूं के पौधे हैं अभी, यहाँ गेहूं की खेती चल रही है। और अब ये मार्च में बड़े बड़े खेत जैसे धान हो जाएगी, फिर हम इसको निकाल के पीसेंगे, कूटेंगे और सब करेंगे। ये प्याज है। सब मैं ही बताऊं, आप भी बता दो कुछ। ये हमारा खेत है, ये सारे जितने दिख रहे सब हमारे खेत है, सब हमारे ही है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही वहाँ तक हमारा ही खेत है। जंजीरा चांदी की जंजीरा भागी चांद की जंजीरा तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिरा तेरी मेरी भेंट होली देवी का मंदिर। चलो मैं आपको मिलाती हूँ जितने लोग भी आलू को गोड़ने में लगे हैं ना उन सब से, और दिखाती हूँ कि ये कैसा होता है। इजी नहीं है, मुझे भी बोला था करने के लिए पर अपने बस का नहीं है, अपने बस का पकाना और खाना बस। ये रही खेती करने वाली मम्मी। ये मम्मी, ये मेरी भाभी लगी। हाँ, नहीं, ये दोनों जेठानी आए थे। हाँ, ये मेरी दोनों जेठानियां है और ये मेरी सासू माँ है। और अभी यहाँ पे आलू की गुड़ाई आलू को बो रहे हैं। आलू लगा रहे हैं। हाँ, आलू का बीज लगा रहे हैं। नहीं, लगा दे रहे हैं। मम्मी से क्या कहते हैं जो आपके यहाँ कुदाल? कुदाल है ये, इससे खेतों को ऐसे खोदा जाएगा, फिर इसके अंदर हम लोग आलू जो लाए हैं। कहाँ है आलू? जन मेरी चाय हिलमा
दिल मा चांद को बटना रंग दिल मा तो मर रखना। तो ये है हमारी गांव की जिंदगी। शहर तो आपने देख ही लिया हमने कितना एंजॉय किया है, बट हम गांव को भी उतना एंजॉय कर रहे हैं। आपको जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं उतने हम दिखा रहे हैं अलग अलग, चाहे वो घर की पूजा हो, चाहे वो चूल्हे का खाना हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, ये सब हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चले कि पहाड़ के लोग इतने ज़्यादा टमाटर की तरह लाल और तंदुरुस्त कैसे रहते हैं यही सब खाना खा के। वो खाद है, वो होममेड, ये जो है ना ये होममेड खाद है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय भैंस पाली होगी ये उसी का गोबर है, उसी गोबर को सुखाते हैं, फिर जो घास होती है उसमें उसको मिक्स करते हैं और फिर इसे एक बार जब आप बीज लगा देते हो खेतों में फिर वो खाद की तरीके से उसको यूज करते हैं। इसे क्या कहते हैं, मोड़ कहते हैं उसको पहाड़ी में, हम कहते हैं मोड़ खाद को, मो गाड़ना, वो मो है। तो मरी रटना पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दरद पीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दरद पीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, पान खाई सुपारी खाई हमारा बीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दरद पीड़ी को, कोच तेरो कोच मेरो दरद पीड़ी को। मैं हिलमा तो मरी रटना आ हिलमा